हेलो, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सिल्वर जोन ओलंपियाड क्लास सेकंड मैथमेटिक्स के ये सैंपल पेपर है जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही इसके सिलेबस क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस हमारा जो है ऑलमोस्ट जो सभी ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही ऑलमोस्ट इसमें भी सिलेबस रहते हैं। ऑल ओलंपियाड एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम ही रहता है। जो आपका सिलेबस क्लास सेकेंड में मैथमेटिक्स के सिलेबस रहते हैं स्कूल में, चाहे वह किसी भी बोर्ड से बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो, ऑलमोस्ट सिलेबस वही रहते हैं। बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा ओलंपियाड एग्जाम में डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए इसमें हम समझ लेते हैं। नंबर सेंस चैप्टर वन टेंस एंड हंड्रेड नंबर तक यहाँ पे काउंटिंग रहेंगे। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन टू रहते हैं, पर क्वेश्चन 3.5, सो टोटल मार्क्स 7 के हो जाते हैं। कंप्यूटेशन ऑपरेशन में आ जाता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन। नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे 6 रहते हैं और टोटल मार्क्स 21, ईच क्वेश्चन मार्क्स 3.5। पैटर्न्स से 1 क्वेश्चन रहते हैं और 3.5 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है मनी टाइम एंड कैलेंडर। मनी टाइम एंड कैलेंडर से 2 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल मार्क्स 7 के हो जाते हैं। लेंथ वेट एंड कैपेसिटी में मेजरमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कैसे किया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। 2 क्वेश्चन से रिलेटेड रहते हैं, ईच क्वेश्चन मार्क्स 3.5 एंड टोटल मार्क्स 7। जियोमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन 3.5 के 7 टोटल मार्क्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ईच क्वेश्चन मार्क्स 4.5 एंड टोटल मार्क्स 22.5। एंड लास्ट स्कॉलर जोन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। स्कॉलर जोन वो सेक्शन होता है जो ऑल ओलंपियाड में आप अचीवर सेक्शंस के नाम से देखते हैं। ऐसे आप ओलंपियाड में अचीवर सेक्शंस के नाम से क्वेश्चंस रहते हैं जो कि सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन थोड़ी हाई थिंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इससे 5 क्वेश्चन रहते हैं और ईच क्वेश्चन मार्क्स 5 रहते हैं, टोटल 25। इस प्रकार इस एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं और 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार आपने देखा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटे रहते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड स्कॉलरशिप। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन पेपर को डिटेल से देखते हैं। हाय आई एम नीतू निगम, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज हम सेकंड क्लास के सिल्वर जोन ओलंपियाड के मैथमेटिक्स क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास सेकंड सैंपल पेपर मैथमेटिक्स एक्चुअल क्वेश्चन पेपर 25 रहते हैं, इसी ड्यूरेशन बेस्ड पेपर क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मोर देन 16 डिजिट। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 16 से ज्यादा है। 16 का मतलब होता है 16 बार 10 लिखना। 16 बार 10 लिखना मतलब 16 × 10 मीन्स 160। ये क्या हो जाता है 160। 160 से कौन सा नंबर ज़्यादा है हमारा? ए 158 कम है, 185 सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 185 जो है 160 से बड़ा नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 2 एग इज 8 रुपीज तो देन द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 एग। अगर एक एग 2 एग 8 रुपीज में मिल रहा है तो 1 एग हमारा मिलेगा 8 डिवाइडेड बाई 2 हमारा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4। इसी प्रकार 3 एग्स हमारा मिलेगा 3 × 4 मीन्स 12। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 3 एग इज इक्वल टू ऑप्शन बी 12 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। In the morning, Mr. Mehta started driving his car at time shown below in the clock. Mr. Mehta car start करते हैं जो time यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर time क्या हो रहा है 8:20। Below the clock, he reached the destination 8:15 in the morning. How long did he drive the car?
8:50 पर वो डेस्टिनेशन जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें टाइम कितना कितना लगता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 9:50 है एंड 8:20 हो गया और यहाँ हो गया 9:20। ये बराबर हम ले लेते हैं तो ये हो गया हमारा 1 आवर्स हो गया। अब 9:20 के बाद हमारा कितना 50 मिनट पर पहुँच रहे हैं, तो 50 मिनट हमारा यहाँ पर हो रहा है। 20 के बाद हम यहाँ हर मिनट्स में 5 मिनट्स की रहती है, तो ये हम काउंट कर लेंगे 20 तक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो यहाँ पर 20 मिनट्स में हम पहुँच चुके हैं, तो बचा हमारे पास 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में हम यहाँ से पहुँच जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 13 एंड 35। ये टोटल हमारा 35 हो रहा है, तो 1 आवर 35 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम देखते हैं। अरेंज द नंबर बॉक्स गिवन द बिलो, मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3-digit number। यहाँ पे 3-digit numbers दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कौन सा है। पहला ऑप्शन है 785, बी 875, सी 578 एंड डी 587। करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है सबसे छोटा डिजिट 578। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव। Which one of the most suitable addition for the sum of number trophy is the given below? ये ट्रॉफी दिए गए हैं, इसको हम किस प्रकार एडिशन करेंगे जो सबसे बेटर होगा। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा सबसे बेटर होगा। ऑप्शन है 4+4+4, 6+6+6। यहाँ पर हम देखते हैं प्लस का साइन दिया गया है, तो कितने ट्रॉफी इसको हम किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया 6, फिर ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे भी नंबर 6 हो गया, फिर यहाँ पे भी नंबर 6 और यहाँ पे भी नंबर 6। इसको हम इस प्रकार प्लस कर सकते हैं, 6+6, 6+6, 6+6 यहाँ नंबर देंगे फिर प्लस का साइन देंगे, तो यहाँ 6 कितनी बार हो रहा है, 4 बार। तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर है, 6+6+6+6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 में देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बकेट कैन होल्ड मैक्सिमम वाटर। इन बकेट में से कौन सा ऐसा बकेट है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर को होल्ड किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज स्क्वायर इन सेप। इसमें से कौन सा सेप स्क्वायर सेप में है, ए बी सी या डी। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, ये डायमंड शेप है जो कि स्क्वायर सेप भी कहलाता है। स्क्वायर सेप में हमारा क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड्स इक्वल होते हैं, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है ये 4 साइड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4 और चारों साइड्स इक्वल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द नंबर पैटर्न गिवन बिलो। ये नंबर पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें देखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों नंबर्स में कोई रिलेशन है जिसके आधार पर ये नंबर हमें निकालना है। तो यहाँ पर पहले के नंबर्स के हम देखेंगे क्या रिलेशन है, किस प्रकार ये निकाल गए हैं। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, 7 × 2 करने पे हमें 5 मिल रहा है, तो 7 में -2 करेंगे
तो 5 हो जाएगा, 19 में माइनस 8 करेंगे तो 11 प्राप्त होगा, इसी प्रकार 11 माइनस 4 7, तो 15 माइनस 9 करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। If line is equal to 40 where and line plus triangle is 60, then the value of triangle. यहाँ पर हमारे पास triangle की value पूछी जा रही है और lines और ये हमारे पास है, तो triangle की value निकालने के लिए हमें 67 minus 41 की value हमारी क्या है, 41 है, 41 है और इसकी value 67, तो 67 माइनस 41 को हम करेंगे तो हमारा क्या हो गया, 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 4 गया 2, तो आंसर हो रहा है 26। ये हमारा आंसर क्या आ रहा है, 26 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। How many rectangles are there in given figure? इस फिगर में कितने रेक्टेंगल दिए गए, तो चलिए हम देख लेते हैं कितने दिए गए हैं। चलिए पहला रेक्टेंगल हमारा हो गया 1, 2, 3, ठीक, 3 के बाद हमारा हो गया 4 और 4 के बाद हमारा नेक्स्ट रेक्टेंगल हो गया 5, तो टोटल यहाँ पर 5 रेक्टेंगल है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में हमें अवश्य लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।